कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए राज्य भर के अन्य शैक्षिकी संस्थानों के साथ ही पहली से बारहवीं तक के सभी करीब 80,000 सरकारी विद्यालय बंद हैं। इन स्कूलों में नामांकित बच्चों को अब तक न तो किताबें मिली हैं और न ही राज्य के निजी स्कूलों की तरह ऑनलाइन कक्षाएं ही आरंभ की जा सकी हैं। शिक्षा विभाग ने इस समस्या के समाधान की दिशा में काम तेज कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक विभाग ने बहुत ही व्यापकता के संग लाइब्रेरी बनाई है, जिसके माध्यम से भरपूर ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यावाहिनी ऐप की तरह ही इस ऑनलाइन लाइब्रेरी पोर्टल पर सभी कक्षाओं के सभी पाठ की शिक्षण सामग्री रहेगी। मूल पाठ के साथ ही उससे जुड़े अन्य स्पोर्ट कंटेंट भी मिलेंगे। विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों के लिए भी इसे मददगार बनाने की कोशिश हुई है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के निर्देश और देखरेख में ये लाइब्रेरी तैयार की गई है। शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण की स्थिति में थोड़ा ठहराव आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष इसका प्रेजेंटेशन करेगा। स्वीकृति मिलते ही लाइब्रेरी को लॉन्च करने की तैयारी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं पीरू फिर मिलूंगी आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक कोरोना में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।